ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के काफ़ी सारे हम लोगों ने सेशन लिए हैं, और अगर आप वन बाई वन देख रहे होंगे तो हम लोग बिल्कुल एंड में पहुंचने वाले हैं। हमने बोला भी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का या ट्रिग्नोमेट्री का एक ही तरीका है कि आप फॉर्मूले को बहुत अच्छे से लर्न करें, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा डिमांड करती है। ट्रिक्स बहुत सारी लोग बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं, बट सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रैक्टिस एंड फॉर्मूले लर्निंग। और ट्रिग्नोमेट्री भले देखा जाए क्वेश्चंस स्कोरिंग है या नहीं है, पर ट्रिग्नोमेट्री हर जगह रिलेवेंस है। कैलकुलस विदाउट ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो सकती है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को आप शुरुआत में जब भी आप तैयारी की शुरुआत करें तो एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री एक आधार हैं, मैथ्स के आधार हैं, तो इनको आप और यहाँ पर प्रैक्टिस की डिमांड होती है। ट्रिक्स पर आप ना ज़्यादा कंसर्न होगे, आप सबसे पहले डेप्थ और कॉन्सेप्ट पर जाएँ, इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार देखा गया है कि a बराबर 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, देन आपको 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। क्या वो 1 बाई ए होगी, क्या a होगी या 1 माइनस ए होगी, या नन ऑफ दीज। चलो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देते हैं, देखेंगे कि क्या इसका आंसर 1 बाई ए आ रहा है या ए आ रहा है, 1 माइनस ए आ रहा है, नन ऑफ दीज। बहुत बार आया है क्वेश्चन, इस चीज़ को यहाँ पे लेते हैं ए या एक्स या वाई कुछ भी ले लेते हैं और इसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो हम लोग इस पर फोकस करेंगे। ए बराबर 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, और हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमें लाना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा माइनस, तो इतने का मल्टीप्लाई ऊपर और इतने का ही डिवाइड कर देंगे। जितना आप मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही आप डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने वहाँ पर जो हमें लाना था वो हमने एज ए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दें कि 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ऐसे रखा यहाँ पर, इसको ए मान लें और इसको क्या मान लें, तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये मिलके क्या हो जाएगा ए, और ये क्या होगा बी, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी स्टेप को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो हमने बोला 1 प्लस साइन थीटा, ये बना था तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जब इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आगे क्या बनेगा ये, हैं हाँ, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लें और साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा, तो ये भी बन गया साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और ये दोनों मिलके क्या हो गए, तो टू साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या आया यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा आ गया ओवरऑल, तो यहाँ रखते हैं हम लोग, मतलब इतना हम लोग वर्किंग जो कर चुके हैं यहाँ पे लिखने वाले हैं 2 साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब देखिए इससे ये कटने वाला है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो जो मतलब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्या आ गया ए, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब जो दिया है उसी को ये पूछ रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है कि बार बार उसमें कुछ ना कुछ प्रयास करके वो आंसर नहीं निकलता, तो वो जानता है कि ये चीज़ और ये चीज़ अंतर है, तो पक्का क्या नहीं आने वाली है, क्या नहीं आने वाला है, तो ए नहीं आने वाला, जो आने वाला है तो उसको क्या मान लेता है, नहीं आने वाला है, तो या तो वो वन बाई ए टिक कर देता है या वन माइनस ही कर देता है, जबकि आंसर क्या है, क्या है भाई बोल दो, हाँ ए आ गया। ठीक, तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन सकता है और बहुत इजी है। यहाँ पे एक 4n अल्फा बराबर पाई दिया गया, इसी से क्वेश्चन पूरा क्रैक होगा, जैसे कि क्वेश्चन एक एग्जांपल में दिया गया जाता है कि tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री और जाके वो tan 89 डिग्री, तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है डेक्टो, उसी तरीके से वो भी है। ठीक है, जैसे हमने बोला एग्जांपल में
ये क्वेश्चन है उसी तरीके से, ये बस ये जनरलाइजेशन पे दे दिया गया, तो बच्चा इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है इस क्वेश्चन को एज ए इजी। वो जानता है कि टेन वन डिग्री और टेन एटी नाइन डिग्री मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जब भी होगा तो मल्टीप्लाई क्या होगा वन, तो इसका आंसर वन आता है। ऐसे डायरेक्टली आंसर इसका भी वन आएगा, बट अभी देखेंगे कैसे आएगा। ये अगर नहीं दिया गया तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे 4n अल्फा बराबर पाई दिया गया। अब हम यहाँ ध्यान दें कि 2n बन रहा है, तो इसका आधा करेंगे हम लोग, 2n अल्फा करेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा। अब इसको देखें, हम इसको ध्यान दें कि 2n माइनस 1 अल्फा दिया गया है, तो 2n अल्फा माइनस अल्फा है, तो 2n अल्फा मेरा बन गया। अब हमें क्या करना है, माइनस अल्फा करना है, तो पाई बाई 2 माइनस अल्फा बन गया। तो अगर हम उसको लास्ट को ध्यान दें कॉट, हमने बोला इसको ध्यान देने वाले हैं हम लोग 2n माइनस 1 अल्फा को, तो हमने अभी लिखा ही है कॉट, इसको क्या लिखा पाई बाई 2 माइनस अल्फा, तो कॉट पाई बाई 2 माइनस अल्फा टेन अल्फा बन जाएगा। तो ये वाला टर्म बन जाएगा टेन अल्फा। अब पहला टर्म और लास्ट टर्म मिल कट के क्या हो जाएंगे वन, ऐसे यहाँ पे 2n माइनस 2 अल्फा होगा, तो जब आप उसको भी इसे कन्वर्ट करोगे तो 10 2 अल्फा हो जाएगा, तो सारे कट के क्या हो जाएंगे हाँ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी, मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने बोला कि उसके रूप को चेंज किया गया है बट कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया गया, ठीक है। तो आप अगर फॉर्म इस तरीके से आता या इस तरीके से आता तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आइडेंटिफाई कर पाते या नहीं कर पाते, कॉम्पिटिशन इसी बात का है, यही सिखाता भी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। सबसे पहली बात कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता क्या है, हिंदी में देखा जाए तो बोलते हैं चक्री चतुर्भुज, मतलब जिसकी सारी वर्टाइसेस हाँ किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे हों। तो यहाँ पे हम लोग ए बी सी डी आपके सामने एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी ऑल द वर्टाइसेस लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की एक खासियत होती है कि अपोजिट एंगल का सम, मतलब ए एंगल प्लस सी एंगल का सम 180 डिग्री होगा और बी एंगल और प्लस डी एंगल का सम क्या होगा, मतलब कहने का मतलब है ए और सी सप्लीमेंट्री हैं और बी और डी क्या हैं, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं। स्पेलिंग पे ना जाएं भाई, और ये भी सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कि उनका सम क्या बन जाए 180 डिग्री बन जाए, ठीक है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखें ए और सी वाले को साथ रखते हैं, तो कॉस ए प्लस कॉस सी और कॉस बी प्लस कॉस डी। अब कॉस ए प्लस जो हमें रिलेशन मिला साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का कि 180 माइनस ए और यहाँ कॉस बी और प्लस कॉस डी बराबर क्या है 180 माइनस बी। अब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, तो कॉस ए माइनस कॉस ए और कॉस बी माइनस कॉस बी, तो क्या आ गया हाँ। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट वो एक नाम जो है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ये डर है, इसकी वजह से आप सॉल्व नहीं करेंगे। तो बहुत ईजी था, तो जो भी हमने क्वेश्चन यहाँ लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत ईजी थे। ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, पहले आपको अपना बिल्डिंग ब्लॉक बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले प्रैक्टिस, उनकी लर्निंग आपको कंठस्थ होने चाहिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। और ट्रिग्नोमेट्री देखा जाए तो मैथ्स के हर सेक्शन में ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंस रखती है, और अलजेब्रा भी। तो इन दोनों को आपको शुरुआत में बहुत प्रैक्टिस करनी है, ये शुरुआती हैं। तो सारे जो सेशंस लिए हैं उनको आप धीमे धीमे देखें, जो भी उसमें लगता है कि हम नहीं दे पा रहे हैं या कुछ भी आपको कमी लगती है तो आप ज़रूर आप लिखिए, हम बार बार बोल रहे हैं। आप वहाँ पे ज़्यादातर लिखते हैं कि नाइस वीडियो, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कर दिया, वो मुझे पता है कि कितना अच्छा है। जो आपको चाहिए वो वहाँ लिखिए, बार बार बोल रहे हैं। चलिए आगे फिर हम लोग नए टॉपिक को लेके आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम लोग मान चल रहे हैं कि यहाँ पर हमने कम्प्लीट कर दिया। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं हो पाते तो वहाँ पर लिखिए, हम लोग वहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर पाएँ। बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए ये सारे वीडियोस या सारी चीज़ें की जा रही हैं जो चलती हुई क्लास में मेन क्लास में टीचर से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं,
कुछ ऐसा उनके साथ प्रॉब्लम है जो नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए है तो वो ध्यान दें। हम लोग अगर एफर्ट दे रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप वहाँ पर इंटरेक्ट रहें, जब इंटरेक्शन होगा तभी जाके कुछ मिल पाएगा।